अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट ब्रांडेड स्टिचिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई में वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट और यूनिक किस्म के आइडियाज़ हैं, ब्रांडेड कपड़ों की स्टिचिंग आइडियाज़ हैं। इस तरह के कपड़े आप स्टिच करवा सकती हैं, स्पेशली ईद के हवाले से इस तरह की चीज़ें फैशन में बहुत ज़्यादा इन हैं। आप लोग देख सकती हैं कितने अच्छे और लेटेस्ट यूनिक। आई थिंक कि आपकी आंखों से ये पहले नहीं गुजरे होंगे, आपने नहीं देखे होंगे ये आइडियाज़। अगर नहीं देखे तो आप इन्हें कैरी कर सकती हैं अपने ईद ड्रेसेस में, इन्हें कैरी करें, कॉपी करके आप बनवा सकती हैं जो आप लोगों को अच्छे लगे। इस तरह के आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, लेटेस्ट और यूनिक भी हैं। और यूनिक चीज़ें, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों से यूनिक और डिफरेंट चीज़ें शेयर करती रहूं। ये देखिए कितने खूबसूरत नेक डिज़ाइन है, दामन है, स्लीव्स के डिज़ाइन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, डिज़ाइनिंग है कपड़ों की जो कि बहुत खूबसूरत भी लग रही है। ट्राउज़र के साथ भी हैं कि आप इस तरह की स्लीव या आप इस तरह की फ्रॉक या कुर्ती स्टिच करवाती हैं तो उसके साथ आप क्या पहन सकती हैं, क्या चीज़ फैशन में बहुत ज़्यादा इन है, स्लीव्स कैसी होनी चाहिए, दामन का स्टाइल कैसा होना चाहिए या चौक स्टाइल कैसा होना चाहिए, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको कंप्लीट आपके को जो है मालूमात हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स में आप इस तरह ज्वाइंट बेल्स लगवा के अपने कपड़ों को खूबसूरत बना सकती हैं, बेल्स के से डेकोरेट कर सकती हैं कपड़ों को, दामन को, स्लीव्स को, दामन के बीच में आप बेल्स लगा के अपने कपड़ों को अच्छा सा जो है यूनिक लुक दे सकती हैं कपड़ों को। ये देखें, इसमें आप फ्रंट पे जो है चुने देकर इस तरह की फ्रॉक स्टिच कर सकती हैं और अनरखे स्टाइल में करवा सकती हैं, जैसा आप लोगों को पसंद आए। डिफरेंट आइडियाज़ थे, आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।